एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कुंडली में 12 भाव क्या होते हैं। ये एक कुंडली आपको यहाँ दिखा रहे हैं हम। ये कुंडली देखिए, इसको ऐसे कुंडली में 12 भाव होते हैं। इसको पहला भाव, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11, 12, इस तरह से 12 भाव होते हैं। इस समय आप ये भूल जाइए कि यहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या है, हम जस्ट भावों को देख रहे हैं। अब इसमें जब भी हम केंद्र के जब विश्लेषण करते थे, केंद्र के बारे में बताते हैं, तो केंद्र जो कुंडली में होता है वो पहले भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और दसवां भाव, इनको केंद्र भाव कहते हैं। तो कोई भी राशि कुछ भी हो, परंतु जब भी ये लग्न भाव से पहला, चौथा, सातवां, दसवें भाव को हम केंद्र भाव हमेशा बोलेंगे। इसके पश्चात हम बोलते हैं त्रिकोण भाव। त्रिकोण के हम ये आएगा इसमें पंचम भाव ये और ये नवम भाव, इसको त्रिकोण भाव बोलते हैं। इस तरह कुंडली में जब भी विश्लेषण करेंगे तो हम केंद्र और त्रिकोण के बारे में आपसे बोलेंगे, तो आप जानिए कि ये 1, 4, 7, 10 जो लगने से जो 1, 4, 7, 10 गिनेंगे तो केंद्र हो जाएगा, और लगने से ही जब 1, 2, 3, 4, 5 बोलेंगे तो पंचम भाव, 7, 8, 9 तो ये नवम भाव जो होगा वो त्रिकोण भाव हो गया। इस तरह से पंचम और नवम को त्रिकोण भाव बोलेंगे। इसके बाद फणफर भाव बोलते हैं, वो द्वितीय, दूसरा भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव, इसको हम फणकर बोलते हैं। इसको करीब ऐसा वेल्थ के लिए भी देखते हैं कि ये जो दूसरा भाव है, पंचम भाव है, अष्टम भाव है और एकादश भाव, ये फिर उपिकलम कम भाव बोलते हैं, तीसरा भाव, छठा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, नौवां भाव तथा 12वां भाव, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, इनको हम बोलेंगे उपोक्लम भाव। त्रिक भाव जो होते हैं, जिसको दुस्तान बोलते हैं, तो त्रिक भाव है 6, 8, 12, छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव। उपचय भाव जो बोलते हैं वो ग्रोथ के लिए देखते हैं, और जैसे तीसरा भाव, छठा भाव, दसवां भाव और 11वां भाव, 3, 6, 10, 11 को हम उपचय भाव बोलेंगे। इसके बाद में तिष्ठोदाय बोलते हैं, तिष्ठोदाय वो बोलते हैं वो तीसरा भाव और छठा भाव और 11वां भाव को बोलते हैं। तो इस तरह जब भी कुंडली का विश्लेषण होता है तो हम ये जो केंद्र भाव हो गए 1, 4, 7, 10, ये त्रिकोण भाव हो गए 1, 5, 9 त्रिकोण हो गए, इसके बाद में फणकर हो गए 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8 और 11। इस तरह से आपको जब भी कुंडली विश्लेषण की बात आएगी तो इनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।